कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फिल्म है और अक्षय कुमार बहुत ही बड़ी फिल्म का एक हिस्सा बने हैं। सब प्राउड फील कर रहे हैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री। तो फिल्म टेक्नोलॉजी के ऊपर है और फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया, आपकी सोच से ऊपर है, इतना सोच नहीं सकते, ये चीज दिखाया गया है। और हर चीज जो भी दिखेगी फिल्म में आपको एक्सेप्टेबल होगा और फिल्म की म्यूजिक बहुत अच्छी है। स्टोरी की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, कैसा लगा एक्टिंग? डायरेक्टर तो डायरेक्शन, डायरेक्टर के नाम सुनते ही आप समझ जाओगे फिल्म कैसी हो सकती है। फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। फिल्म में बताया गया है कि जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है, तो चीज यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी रेडिएशन जो होती है वो इंसान को प्रॉब्लम करती है। VFX तो बजट सुनते ही आप सोचोगे 450 करोड़, तो VFX तो वैसे है ही, VFX बहुत ही अच्छी यूज की गई है और फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप पसंद करो। 4 और रेकमेंड करेंगे लोग? हाँ, फिल्म देखनी चाहिए, एक बार नहीं दो बार, मैं तो दोबारा भी देखूंगा, फिल्म इतनी अच्छी है। थैंक यू सो मच। वेल, मुझे 2.0 काफ़ी अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा लाइक ट्रेलर देख के एक्सपेक्टेशन नहीं था, कहीं ना कहीं लोग एक्साइटेड ज़्यादा थे लेकिन लोग सोच रहे थे कि क्या हो सकता है। बट फर्स्ट हाफ ऑनेस्टली मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, बट सेकेंड हाफ ने काफ़ी अच्छा ग्रिप ले लिया। सो ओवरऑल मूवी इज़ वेरी गुड। तो डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, एक्टिंग वाइज क्या क्या बोलना चाहेंगी, VFX कैसे लगे और ये जो 3D इफेक्ट डाले गए थे स्पेशल, वो कैसे लगे? ओके, सो VFX के बारे में तो क्या कहूँ। वेल, आजकल हर मूवी में VFX होता है और टेक्नोलॉजी के ऊपर मूवी है तो VFX तो काफ़ी अच्छा गया। कहीं कहीं मैं ढूंढ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक दो मिस्टेक्स मुझे नज़र आए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि VFX पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। डायरेक्शन की बात करें तो शंकर सर इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो एक टाइम के बाद आते हैं लेकिन सब कुछ परफेक्ट लेके आते हैं। एंड रोबोट के बाद आप बोल सकते हो 2008 के बाद 2018 काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कितने टाइम के बाद ये मूवी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वन से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। दिखाया गया है चिट्टी सना ये सारी चीज़ें लेकिन वापस से फ्लैशबैक में कुछ चीज़ें नहीं है। सो ये एकदम प्योर है, न्यू है, इसमें जो मैसेज है छुपा हुआ वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेफिनेटली आज के जो यंगस्टर्स हैं इन्हें समझ में आएगा और कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना वाकई में बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप क्या सीख ली, क्या मैसेज आप दे? एग्जैक्टली जैसे कि मूवी में दिखाया गया है सारा रिसर्च ये सब करके कि USA में आप बोल सकते हैं 3 नेटवर्क, USA में 5 नेटवर्क्स यूज़ होती हैं, चाइना में जिसको इतना बड़ा स्टेट माना जाता है, इतना बड़ा कंट्री है चाइना, वहाँ पे पॉपुलेशन की बात करो या बाकी सारी चीज़ों की, लेकिन वहाँ पे भी अगर टेक्नोलॉजी की बातें करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 10 अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, कभी वोडाफोन, एयरटेल, डोकोमो, क्या 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 चीज़ें हैं। तो इसी की वजह से लोग बोल रहे थे कि चिड़िया आजकल दिखती नहीं है, यही रीजन है कि चिड़िया लोग गायब हो गए और किस तरीके से आने वाले पीढ़ी पे, जनरेशन पे, नेक्स्ट जनरेशन पे काफी ज्यादा असर होगा। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉइंट लोगों को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग देंगे सर? आउट ऑफ 5 मैं मूवी को बिटवीन 3 स्टार देना चाहूंगी। रिकमेंड करेंगे जो ऑडियंस आपको देखती है? ऑब्वियसली, बिकॉज एक टाइम के बाद आपको ऐसी मूवी आएगी जो आपको टेक्नोलॉजी की बेस पे काफ़ी अच्छा हंसाएगी, सताएगी। VFX अगर आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे क्योंकि क्या खर्चा किया गया है। और ऑब्वियसली नन अदर देन, वेल, मुझे अक्षय कुमार का नाम सेकेंडरी लेना पड़ेगा बिकॉज इसमें है लेजेंडरी, सबके फेवरेट रजनीकांत। 2.0 काफ़ी मेगा स्केल की फिल्म है जो कि देखने के बाद लगा कि हाँ, वो एफर्ट नज़र आया और द फिल्म हैज़ अ हार्ट टू इट, द फिल्म हैज़ अ मैसेज टू इट। बस खाली मुझे क्लाइमैक्स अब्रप्ट लगा, काफ़ी जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया टाइप्स। बाकी 70% 60% ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड, लाइक एंटरटेन करेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी टाइप्स। अक्षय कुमार का जो लुक है फिल्म में वो काफ़ी अलग है, कभी देखा नहीं कभी, काफ़ी अच्छा लगा उनका, उनकी जो बैक स्टोरी है काफ़ी अच्छा लगा, एक मतलब मैसेज है एक जो कि सब लोग के लिए, ऑडियंस के लिए दी गई है। स्क्रीन प्ले एट प्लेसेस ऐसा थोड़ा है जो कि हुक नहीं करता है, बट ओवरऑल फिल्म इज लाइक वॉचेबल, वन टाइम वॉच काइंड ऑफ फिल्म, लाइक आप देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए थिएटर में। VFX है अच्छे, बहुत जगह बहुत लाइक VFX अच्छे ही है, लाइक एक ब्रेव अटेम्प्ट आफ्टर रावण और कालाकांडी जो हमारी VFX फिल्म है इंडिया की, उनसे तो मच बेटर है। अच्छा, हाँ, अक्षय कुमार कंप्लीट नेगेटिव नहीं, ग्रे कैरेक्टर है उनका,
तो लाइक उनको जस्टिफाई किया उनके कैरेक्टर को और बस. ओके, क्या मैसेज आपको मिला? मैसेज यही है कि मतलब ह्यूमन लाइक टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को का यूज़ ज़्यादा कर रहा है और लाइक नेचर पे ज़्यादा ये रिलाई नहीं कर रहा और अपने लिए काफ़ी एक्सपांड कर रहा है टेक्निकली. ओके, आपको लगता है कि ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नहीं नहीं, नो वे, बिल्कुल. ओके, तो जाते जाते फिल्म को कितना रेटिंग देना चाहिए? मैं 3 दूंगा, 3 और 5. ओके, रेकमेंड करेंगे लोगों को? हाँ. तो कैसी लगी फिल्म आपको 2.0? या द मूवी वाज वेरी एंटरटेनिंग. I think Akshay Kumar did a very good job in the negative role, and yeah, the climax of the movie was like better than any Hollywood movie. Also, it matched their standards. So the special effects, the visual effects, and all kept me totally engrossed in it. What do you want to say about story and direction? The story was good. The direction was really, really good, and I think they've done a fairly decent job. Yeah, they've done a very good job in the movie. What about the acting of Rajnikanth? As we know, he does superb. Akshay Kumar as well, yeah. Negative role, and also Amy Jackson. Amy Jackson has done a good job. Rajnikanth has lived up to the role as he always does. Yes. Akshay Kumar has outperformed everyone, is what I believe. His work was the best in the movie. Okay, so out of 5, how much would you give? 4? Yeah, a good 4, yeah. Okay, so would you recommend this film to the audience? Definitely, definitely I would. I would highly recommend everyone. Yeah. Okay, thank you so much.